मंडला से रायपुर जा रहे युवकों के पास मिली 2,27,00,000 रुपए की नगद राशि। 500 रुपए के बंडल देखकर दंग रह गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए एक कार से 2,27,50,000 रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की है। यह राशि कार में भरे 500 के नोटों के बंडलों के रूप में थी, जिसे गिनने के लिए पुलिस को पैसे गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। पुलिस के अनुसार यह कार्यवाही शुक्रवार सुबह लगभग 9:30 बजे की है, जब चिल्फी थाना क्षेत्र के आबकारी चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इस दौरान एक कार MP 51 CA 9891 मंडला की दिशा से रायपुर जा रही थी, जिसे पुलिस ने रोककर जांच की। कार में 3 युवक 33 वर्षीय गगन जैन, 30 वर्षीय अमन जैन और 25 वर्षीय नवीन ठाकुर सवार थे। जब पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो उसमें कई थैलियां मिली जो नोटों से भरी हुई थी। पुलिस ने युवकों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे इस धनराशि को रायपुर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ले जा रहे थे। हालांकि उनके पास इस धनराशि के वैध दस्तावेज या प्रॉपर्टी खरीदने का कोई प्रमाण नहीं था। पुलिस की इस कार्यवाही को लेकर ASP पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि यह अभियान मुखबिर की सूचना पर शुरू किया गया था। युवकों को हिरासत में लेकर उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस मामले को आयकर विभाग के हवाले कर दिया गया है, ताकि धन के स्रोत और युवकों की वास्तविक मंशा का पता लगाया जा सके। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, जिससे इस तरह के अवैध लेन देन पर रोक लगाई जा सके। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में पैसे के अवैध प्रवाह और धारा के पीछे के कारणों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनिंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।